हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। रजनीकांत आखिर रजनीकांत होता है, चाहे उनकी पिछली फिल्म अन्नाथा फ्लॉप क्यों ना हो, लेकिन रजनीकांत आखिर रजनीकांत होता है। वो जेलर फिल्म से उन्होंने प्रूव कर दिया। सिर्फ इसका ट्रेलर रिलीज हुआ और इसका जो हाइप है वो इस तरह चढ़ गया है कि क्या बताओ कि यूएस में इसकी जो मतलब कलेक्शन हुआ है फास्ट शो के लिए, आप कमाल की मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इतना पैसा फास्ट शो के लिए सिर्फ कलेक्शन हुआ है। सिर्फ ये मूवी जो है ये आपको 135 लोकेशन पे मतलब आप कह सकते हैं स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है यूएस में, और 510 शोज, और इसके लिए फास्ट शो के लिए सिर्फ $401,119 का मतलब टिकट सोल्ड आउट है, और 17,919 इसका टिकट मतलब 17,919 टिकट सोल्ड आउट है, और इसका टोटल प्राइस है $401,919। सोचिए किस लेवल का हाइप है कि उनकी पिछली फिल्म फ्लॉप हुआ है लेकिन सिर्फ एक ट्रेलर रिलीज हुआ और एक गाना रिलीज हुआ और इतनी हाइप हो गया कि सिर्फ फास्ट शो के लिए सिर्फ इतनी पैसों का मतलब आप सर कह सकते हैं इतनी टिकट से होल्ड आउट हो गया इतने पैसों का। अभी तो 4-5 दिन बाकी है, और इस फिल्म का बजट है 215 करोड़। सोचिए 215 करोड़, उसमें सुनने में आ रहा है कि 110 करोड़ उन्होंने सिर्फ अपना सैलरी लिया है। इंडिया में शायद कोई इंसान मतलब कोई भी एक्टर इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं लेता। इससे ज़्यादा पैसा जरूर लोगों को मिलता है लेकिन वो क्या है कमीशन से प्रॉफिट लेता है। जैसे शाहरुख खान को पठान से 200 करोड़ मिला लेकिन वो कमीशन से प्रॉफिट लिया, 60% प्रॉफिट लिया, लेकिन एज ए सैलरी सिर्फ सैलरी लेकर जाएगा तो आप मैं ये कह सकता हूँ शायद वो एशिया में सबसे ज़्यादा लेता है। 110 करोड़ लिया है इस फिल्म के लिए। सोच लीजिए कि मतलब कि किस प्रकार का उनकी क्रेज है। और मैंने अपने जो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि तेलुगु में उनकी मार्केट काफ़ी डाउन हो गया है पिछले कई धड़ाधड़ मतलब एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप हो जाने से, लेकिन अब सुनने में आ रहा है तेलुगु स्टेट में के लिए सिर्फ 15 करोड़ मिला है इस जेलर मूवी को, मतलब जेलर मूवी को 15 करोड़ में तेलुगु स्टेट के लिए बेचा गया है। सोचिए इतनी मार्केट डाउन है फिर भी 15 करोड़ में एक नॉर्मल एक जो तेलुगु के फिल्म में रिलीज होता है इतनी प्राइस में तेलुगु स्टेट में बेचा नहीं जाता, लेकिन सिर्फ अलग अलग स्टेट के है तमिल फिल्म में तेलुगु में डब करके आएगा लेकिन फिर भी 15 करोड़ बेचा गया है। मतलब सोचिए किस प्रकार का करिश्मा है उनका, एक सिर्फ एक ट्रेलर रिलीज हो और एक गाना तो वो मतलब किस तरह का हाइप ले गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।